हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं मेरे किचन में बहुत ही सिंपल सा हेल्दी सलाद बनाने वाला हूं, जो आपके हमारे घर में अवेलेबल रहता है, लेकिन हमें उसको कैसे बना के खाना चाहिए और उसका कैसा आनंद लेना चाहिए वो हमें पता नहीं होता। उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास आजकल घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और थोड़े अंकुरित अनाज और स्प्राउटेड वगैरह, उसमें आप चना भी ले सकते हैं, मूंग है तो मूंग भी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको हेल्दी सलाद के विषय में बताने वाला हूँ कि आप अपने फूड में आप हेल्दी सलाद कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने डाइट में आप कैसे उसको ऐड कर सकते हैं और इससे इंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम बताते हैं कि कैसे हेल्दी सलाद आप बना सकते हैं। तो हमने लिया है ये फ्रूट्स, फल है केला, तो आप केला ले सकते हैं। घर में आपके पास जो अवेलेबल है, आप एप्पल बिकट्स डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं आप उसके अंदर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। फ्रूट्स दो टाइप के हमने फ्रूट्स मिक्स कर दिए, ये हैं अनार के दाने, कदम्बर, ककड़ी ले लिए, वेजिटेबल्स में थोड़े सब्जियों में थोड़ा ये पत्ते पत्ता गोभी, मुझे लगता है बाउल मेरा छोटा हो जाएगा तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा बाउल को, मैं कुछ बड़ा बाउल लेता हूँ। तो मैंने बाउल को बदल दिया है, बाउल को बदल दिया है और तो इसमें हो गए ये वेजिटेबल में हमने पत्ता गोभी और ककड़ी, अनार के दाने और केला के कट्स हमने मिलाए हैं। और अब इसमें हम अनाज के तौर पे इसमें मिलाएंगे जमा अंकुरित मूंग जमा हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है अंकुरित। मैं कभी चने और कभी ये क्या बोलते हैं आपके ये मूंग जमे अंकुरित मूंग खाता हूँ। थोड़े से इसमें 5-6 दाने जो हैं आप सोयाबीन के मिला दीजिए, भिगो करके सोयाबीन को हल्का सा बॉयल कर लीजिए, हल्का साल डाल के, काफ़ी प्रोटीन होता है इसमें सोयाबीन में। तो चलिए मैं सोयाबीन मिला देते हैं, इसको प्रॉपर मिक्स कर दें। इसको आप अपने घर पे बनाइए और इसका एंजॉय करिए। इसमें हम मिलाते हैं थोड़ी मेयोनीज सॉस, मेयोनीज सॉस आप अगर मेयोनीज सॉस नहीं है तो आप कुकिंग क्रीम मिला सकते हैं, इसके अंदर कुकिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये टेस्टी हो जाता है काफ़ी। अगर आपके पास गाजर अवेलेबल है तो गाजर डाल दीजिए। अगर किसी को अनार ये सॉरी क्या बोलते हैं टमाटर पसंद हो तो टमाटर मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर आप। बहुत ही आसान है इसको बनाना, वेरी इजी, आपके हमारे घर में सब कुछ अवेलेबल ही रहता है। तो ये देखिए प्रॉपर मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर लाइट, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं, हल्का सा टेस्ट के लिए, और हल्का सा ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च जो बोलते हैं ये मैंने डाला, नमक, सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिक्स कर लीजिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर फ्रूट्स के फल के जो स्वाद होते हैं, वेजिटेबल सब्जियों के जो स्वाद होते हैं वो चले जाएंगे और क्रीम का भी टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हल्का सा लगाइए। देखिए मेरा हेल्दी सलाद रेडी हो गया है,
गेट हेल्दी सलाद एकदम प्रॉपर मिक्स हो गया है और तैयार हो गया है। अभी इसको टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि कैसा है। वाह, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग बनाइए और ट्राई कीजिए इसको और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये हेल्दी सलाद। इसमें और भी आप फ्रूट्स फल मिला सकते हो, जैसे कि वाटरमेलन डाल सकते हैं आप, सेब एप्पल डाल सकते हैं आप, वाटरमेलन तरबूज वगैरह से मिक्स कर सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल हो उस टाइप के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ और अंकुरित अनाज इस प्रोडक्ट आप मिला सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये हेल्दी डाइट्स तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग फ्रॉम माई किचन।